चलो और ये खुशी की चाबी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप देख रहे हो द हैरी 06। तो फिलहाल आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा क्रेजी रहने वाला है, बिकॉज आज अपने चैनल पे होने वाली है एक ही साथ दो बाइकों की डिलीवरी, एंड दोनों बाइक KTM की रहने वाली है। तो फिलहाल आज का ब्लॉग भी थोड़ा अलग एरिया से शुरू हो रहा है, तो सीधे चलते हैं राइड पर क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दूँ कि एक तो अपनी रहने वाली है ड्यूक 250 जो जनरेशन 3 की आई है, एंड एक रहने वाली है 390 जनरेशन 3 की। तो मतलब दोनों टॉप मॉडल रहने वाले हैं ना, कसम से बहुत ज़्यादा अभी से एक्साइटेड हो रहा हूँ कि आज दोनों बाइकें एक साथ राइड करूँगा। एक साथ तो क्या मतलब, आज दोनों न्यू जनरेशन की बाइकें राइड करने को मिलेंगी मुझे। फिलहाल मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरे साथ वाले ले रहे हैं दोनों बाइक, दो बाइकों की अलग एक ही साथ डिलीवरी है। बट सीन ये हो रहा है कि एक की डिलीवरी अलग शोरूम से, एक की डिलीवरी अलग शोरूम से, वो भी सब पता चलने वाला है क्यों है अलग शोरूम से। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि यार जो हमारे लोकल के शोरूम थे तो वहाँ थोड़ा कुछ कलर का भी इशू था, जो कलर हमें चाहिए था वो कलर यहाँ दे नहीं रहे थे, एंड कुछ पैसों का भी इशू था, कुछ पैसे यहाँ से हमसे थोड़ा ज़्यादा ले रहे थे, एंड थोड़ा सा दूरी पे यहाँ से 60-70 किलोमीटर एक और शोरूम है हमारे यहाँ, तो उसमें थोड़ा हमें चार्जेस कुछ कम ले रहे थे हमसे। तो क्यों ना यार हमने सोचा वहीं से ले लें, 40-50 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, एंड मनपसंद बाइक भी मिल रही है और ऊपर से रुपये भी कम ले रहा है, वो तो नॉर्मल सी बात है कोई भी उधर ही स्विच करेगा। तो हम इसी चक्कर में थोड़ा सा दूरी पर जा रहे हैं, मतलब 40-50 किलोमीटर है, 50-60 किलोमीटर होगा, एंड वहाँ से एक गाड़ी परचेज करने के बाद 250 डायरेक्ट आना है खटीमा, खटीमा से एक और बाइक डिलीवरी लेनी है 390। तो थोड़ा सा ब्लॉग हो सकता है लंबा बने, मैं चाहूँगा कि लंबा ना ही बने, ज़्यादा डायरेक्ट डिलीवरी दिखाऊँ अपनी। सीधे मिलते हैं अब शोरूम पर। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं शोरूम, एंड शोरूम में बहुत सारी बाइकें खड़ी हैं। अभी तो कोई डिसाइड नहीं करा कलर वलर, सब कुछ कोई अभी तक डिसाइड नहीं करा हमने कौन सा कलर लेना है। एंड पहले तो आपको गाड़ियाँ दिखा दूँ, ये है देखो एक, ये कौन सी है, 250 200 एंड 250 RC 200 RC 200। और ये देखो चेक करो भाई, ये कौन सी गाड़ी है, खतरनाक भाई, 401 भाई, पता नहीं कौन सी गाड़ी है। तुम लोगों को पता है तो ना यार, एक बार नाम गैस करके कमेंट में बताना तो कौन सी गाड़ी है, सामने से फ्रंट से लुक देख लो, ये देखो। एंड ये वाली RC भी देखो भाई, खतरनाक वाली है भाई, नया वेरिएंट आया, मतलब स्टिकरिंग नहीं आई है इससे पहले तो शायद मैंने देखा नहीं है, क्योंकि हमारे लोकल ने शोरूम में तो ऐसी गाड़ी देखी नहीं मेरे को इस सेगमेंट में। एंड ये 390 है जो तुम्हारे भाई का ड्रीम है, इन फ्यूचर यूट्यूब की कमाई से कभी लेंगे तो लेंगे, वरना देखते हैं कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी ये है एडवेंचर, ये भी मेरे को अच्छी लगती है, लॉन्ग ट्रिप के लिए सबसे बेस्ट है। और यहाँ पेपर वर्क हो रहा है, अबे किसी और का आधार कार्ड लगा दिया क्या? तो चेक करो, ये है बाइक की होने वाली ओपनिंग बाइक, खतरनाक तरीके से। एक बार मतलब वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोड़ा हमने कर दिया था, अभी वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा इसके बाद, क्योंकि वो ओपनिंग मजा नहीं आया, इसमें थोड़ा मजा आएगा। तो पैसा उसा मत बचाओ भाई, तुम लोग भी बाइक लो, नई नई ऐसे डिलीवरी लो, बहुत मजा आता है भाई। चलो बस आ जाओ, चलो अरे भैया इसी से नहाओगे क्या? अरे भाई मुंह नहीं धोया था, दांत भी नहीं धोए थे, तो यहाँ दांत ही सब ले। तो ये है नई बाइक अपनी, एंड इसके बाद एक और डिलीवरी होने वाली है खतरनाक वाली, चेक करो भाई लुक। ओ भाई देख लो, आज किसी और की डिलीवरी के लिए आ रहे हैं, फिलहाल अपना भाई है, कल के दिन हम अपनी बाइक भी आएंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और शेयर भी करना, शेयर करना इससे जल्दी आएगा यार। शेयर करने का ऑप्शन है, पूछो शेयर करने का ऑप्शन है। ये मिल गई है चाबी, गिटार, इतनी बड़ी चाबी लगाओगे कहाँ यार? अबे ये शोरूम की चाबी है ना, जब मन करा वही से। शोरूम की यहाँ की है। नहीं कैसी चाबी ला हो रहा है? हाँ ना सही कह रही, ये खुशी है ना, ये खुशी है, और ये खुशी की चाबी है। हाँ ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, बर्थडे भाई तू भी आधार कार्ड बनवा ले, आधार कार्ड बनवा ले गाड़ी का, ठीक है? आधार कार्ड बनवा ले। तो आज
आज तारीख क्या? काटो। हाँ इसी से काटो। चल 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 चल। वो अपनी चाबी से काट, अपनी वाली चाबी से। अपनी वाली चाबी से। जल्दी खिला भाई यार, अबे हाथ से खिला दे। अरे पहले किसको खिला दिया यार तूने भी। एंड भाई बाइक हमने यहाँ से ले ली है, काफ़ी मज़ा आया भाई। जितना मज़ा बाइक डिलीवरी में नहीं आया ना, उतना ज़्यादा यहाँ का मतलब एक ऐसा घर जैसा लगा यार भाई। बाइक ले रहे थे ना भाई, इतना मज़ा आया, अलग ही लेवल का मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया सच में यार। बाइक की खुशी से ज़्यादा वहाँ जो हम इन्जॉय कर रहे थे ना, वो ज़्यादा खुशी थी हमारे लिए। ऐसा लगा नहीं कि हम कहीं बाहर से गाड़ी ले रहे हैं, ऐसा लगा हम अपने लोकल में ही बाइक ले रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा हमें। तो फिलहाल अब घर को निकलते हैं, क्योंकि घर को घर जाने के बाद जस्ट एक दूसरी डिलीवरी भी लेनी है। तो अब मैं चला रहा हूँ ये ड्यूक 250। नहीं नहीं भाई, यूट्यूब की पहली कमाई नहीं है ये, ये तो भाई की है। भाई भाई की यूट्यूब की पहली कमाई है ये। ओ भाई, और ये मैं ग्लव्स भी ले आया साथ साथ में, चेक करो। फुल वाले मेरे पास हाफ वाले तो पड़े हैं, बट मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं फुल वाले खरीद लूँ। एंड ये अभी इनने भाई ने निकाला नहीं है मीटर, क्योंकि घर ले जा रहे हैं तो मंदिर उंदिर भी ले जाना होगा। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से भाई हर गाड़ी को मतलब मंदिर ले जाना ज़रूरी है, तो ले जाना तो पड़ेगा ना मेरे भाई। फिलहाल मैं बताऊँ एक्सपीरियंस अभी तक, मतलब मैंने अपनी 250 चलाई है, मतलब ओल्ड मॉडल, एंड ये चलाई है। तो इसमें बस इतना तो फ़र्क कह सकता हूँ, मतलब हैंडलिंग से लेके रेस वूस अभी तक बहुत स्मूथ लग रही है मेरे को। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि भयंकर बहुत हार्ड हार्ड सा, काफ़ी ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा ही लग रहा है मेरे को ये, और ये क्लच भी बहुत प्यारा, बहुत स्मूथ लग रहा है। एंड अभी घर जाके इसका जब थोड़ा सा, अभी तो फर्स्ट नहीं नहीं लिए, तो थोड़ा यार पिकअप में अभी इतना हाई है नहीं, तो पिकअप अभी दे नहीं रही है। एंड कुछ एक फर्स्ट सर्विस हो जाएगी उसके बाद, और ये जो इसके मिरर सुरर्स है और थोड़ा टेल रेडी इसकी निकालने के बाद थोड़ा पिकअप में अंतर आएगा, थोड़ा नहीं बहुत अंतर आएगा। तो कहीं ना कहीं उस समय भी मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा कि अगर नई बाइक लो तो क्या क्या मतलब क्या क्या बदलाव है अपनी BS4 में और BS6 में। तो फिलहाल ये है, चेक करो अपने सामने 390 जो सेकंड डिलीवरी हुई है भाई। जल्दी जल्दी में करी है क्योंकि थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया था, घर भी जाना सुबह के निकले हुए घर को। एंड अब इसकी पावर दिखा दो, सबसे फर्स्ट तो मीटर देखो। वाह, ये मीटर पे ही तो दिल आया भाई, जो स्टार्ट होता है ना, मेरे को तो ऐसा लगता है मूवी स्टार्ट होती है भाई। पावर एकदम भाई खतरनाक वाली पावर है। वाइजर बंद करूँ? ओह भाई खतरनाक, ओह ओह भाई 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 पावर तो है 390 में खतरनाक वाली भाई। भाई मजे आ गए भाई, इसके पावर के सामने ना सारी पावर फेल है भाई। इस पर तो बहुत तगड़ा वाला दिल आया भाई एकदम। तो भाई फिलहाल कैसा लगा ब्लॉग यार, ब्लॉग के लास्ट में यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।